वॉर में ऋतिक की हीरोइन से जानेंगे फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हुई एंट्री, अब शमशेरा में आएंगी नजर। एक मॉडल के तौर पर मैंने दिल्ली में खूब काम किया। पहली बार मुंबई एक विज्ञापन फिल्म में काम करने आई। उसी यात्रा के दौरान यशराज फिल्म्स के लोगों से मेरा मिलना हुआ। वे लोग किसी फिल्म के लिए नया चेहरा तलाश रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है तब मुझसे नाचने के लिए कहा गया था। उसके बाद तमाम बार और ऑडिशन लिए गए और यशराज फिल्म समय मेरा प्रवेश हो गया। शायद मौका मुझे तलाश रहा था और मेरे माता पिता ने मुझे शुरू से ही इस मौके के लिए तैयार रखा था। मैं भी माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। मेरे माता पिता फिल्मों के शौकीन रहे हैं। मेरी माँ मुझे बहुत सी फिल्म दिखाया करती थी। मुझे आज भी याद है मेरी पहली फिल्म हम आपके हैं कौन। ये तो नहीं याद मैं तब कितने साल की रही होंगी, पर माधुरी दीक्षित को पहली बार बड़े पर्दे पर मैंने तभी देखा। मेरी माँ ने मुझे कई पुरानी फिल्में भी दिखाई थी, जैसे सीता और गीता, खूबसूरत, चालबाज और भी ना जाने कितनी। माँ को दमदार किरदारों वाली फिल्में देखने का ज्यादा शौक था। मैंने भी उनके साथ कई हॉलीवुड व हिंदी फिल्में देखी हैं। फिल्में हर तरह का तनाव मिटा देती हैं। खुद को तैयार रखना जरूरी। बचपन में इतनी फिल्में देखने के बाद मुझे ये तो साफ हो गया था कि मुझे क्या करना है, पर तब भी एक अभिनेत्री बनने का ख्याल दूर की कौड़ी ही लगता था। मैं बचपन से अभिनेत्री बनना चाहती थी और इसके लिए खूब तैयारी की है मैंने। किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए कि आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। जिस काम में दिल लगे वही काम अगर आपका करियर बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। आसान नहीं है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री आसान नहीं है। यहाँ काम ढूंढना काफी मुश्किल है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। इस क्षेत्र में आने की तैयारी कर रहे युवाओं से मेरा यही कहना है कि जिंदगी को खुशी से जियो, निराशा से कुछ सही नहीं होता। साथ ही साथ अपने काम में हमेशा अपना 100% जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी मुफ्त की नहीं है। हर चुनौती को एक एक दिन कर पार करना चाहिए। आपको नहीं पता कि कब कोई आपका काम पसंद कर रहा है, क्या पता कल का दिन और भी अच्छा हो। इंतजार है इस रोल का। अब लोग अपने आसपास की कहानियां पर्दे पर देखना चाहते हैं। वे ऐसे किरदारों पर यकीन करने लगे हैं जो साधारण परिस्थितियों में रहते हुए भी कुछ बड़ा कर जाते हैं। इस तरह की कहानियों में काफी उछाल आया है। अपने आप को इस समय और इस तरह के बदलाव का हिस्सा पाकर मैं बेहद खुश भी पाती हूँ। महिला किरदारों पर केंद्रित फिल्में भी खूब बन रही हैं। मुझे अभी तक इस तरह की फिल्म के लिए कोई ऑफर तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा दिलचस्प किरदार मेरे पास आए ताकि मैं उस कहानी के लिए अपने अंदर के कलाकार को और भी विकसित कर पाऊँ। मेरी पाठशाला में खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। वॉर में ऋतिक रोशन ने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वे इतने सीनियर अभिनेता हैं। अच्छे कलाकार के साथ साथ वे एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वह लोगों से झुककर मिलते हैं। कामयाबी का आभा मंडल अपने चारों तरफ बनने नहीं देते हैं। वहीं रणबीर कपूर के साथ मैं फिल्म शमशेरा कर रही हूँ। वह भी कमाल के कलाकार हैं। अपने किरदारों में वे इतना डूब जाते हैं कि कुछ और उन्हें परेशान ही नहीं कर सकता। दूसरों को देखकर सीखना ही जिंदगी की पाठशाला है और मैं पूरी उम्र इस पाठशाला की छात्रा बनी रहना चाहती हूँ।